हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है कुछ ऐसे पौधों के ऊपर है जिन पौधों का आप जो है छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हो अपने गार्डन में। जो इनके पास जगह कम होती है लगाने की, पौधे उनके पास जगह की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने छोटे छोटे पॉट में इन पौधों को लगाकर जो है अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे ही प्लांट है ये। बिल्कुल ही देखिए कितना छोटा सा प्लांट है ये। तो आप इसको जो है देखिए छोटे से छोटे पॉट में कैसे ग्रो कर सकते हो। मैंने देखिए छोटे से इसमें डब्बे के इसमें लगाया हुआ है यहाँ पर ये, और ये मैंने टोकरी में लगाया हुआ है, जिससे कि मैं छोटा सा लेकर आई थी इसको, और ये इसने मेरी पूरी टोकरी जो है कवर कर ली है। तो आप इस पौधे को जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसके आप छोटी से छोटी जड़ भी निकाल कर लगा सकते हो, तो यही आपके गार्डन में काफ़ी हो जाएगी। आप जो है इसकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हो या ऐसे ही पॉट में लगा सकते हो, तो दोनों जगह ये अच्छे से चलेगा। और इसकी केयर टिप्स भी कुछ नहीं है, आप इसको अपने गार्डन में ऐड करें और आप इसको बस लगा दें तो ये खुद ही चलता रहेगा। आपको सिर्फ इसमें पानी डालना होगा, पानी डालते रहिए। ये इतना भी खाद पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता और बहुत ही अच्छा प्लांट है। बिल्कुल बहुत ईजी टू ग्रो है ये प्लांट, तो आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। और दूसरा प्लांट है ये देखिए, वॉन्डरिंग जू। ये जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है पौधा। आप इसको अब छोटे से छोटे पॉट में आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। आप इसको जो है इसको आप जो है धूप में या छांव में कहीं पर भी रखना चाहिए, दोनों जगह बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। और इसके आप जो है छोटी से छोटी कटिंग लेकर लगा सकते हो। बिल्कुल इतनी सी, इसके 2 से 3 इंच की कटिंग भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से चलेगी, और ये छोटे से छोटे पॉट में आपके ग्रो हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। और ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन का पौधा जो है आप बहुत अच्छे से इसको भी ग्रो कर सकते हो। मैंने इनका दोनों का मिक्स बनाया हुआ है, इस पॉट में लगाया हुआ है मैंने इसको, और दोनों का मिक्स कलर करके लगाया हुआ है जिससे कि अच्छा लगे। दोनों पौधे लगाए हुए हैं मैंने, तो आप इसको भी छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हो। ये भी इजी ग्रो है, इसको भी आप जो है छोटी सी कटिंग लेकर इसकी लगा सकते हो, आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी ये भी। अगर आपने एक बार ये पौधा लिया है तो आपके गार्डन में जो है चलो ही चलता ही रहेगा ये पौधा। मैंने जो है इन पौधों की बहुत सी कटिंग लगाई हुई है, दोनों पौधों की, वॉन्डरिंग जू की भी। देखिए मैंने यहाँ पर छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, मैंने की ये दूसरी वैरायटी है, मैं इसको लेकर आई थी, तो इनसे देखे मैंने कितने पॉट बनाए हुए हैं। मैं भी इनको तैयार कर रही हूँ हैंगिंग बास्केट के लिए। यहाँ पर भी लगाई हुई है मैंने कटिंग, और देखिए कितनी छोटी सी, इसमें मैंने बोतल कट करके इसमें भी लगाया है मैंने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इन दोनों बोतलों में लगाया हुआ है ये, और देखिए यहाँ पर भी मैंने इसको कट करके लगाया हुआ है, यहाँ पर एक डब्बे में लगाया हुआ है। मैंने दोनों वैरायटी को मिक्स करके लगाया हुआ है, और मुझे इन कटिंग को लगाए हुए 3 से 4 दिन हो गए। बहुत ही जल्दी ग्रो होता है, 2 से 3 दिन में ही अपनी जड़ें निकालने स्टार्ट कर देता है, और ये आपके गार्डन में बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता। आप बिल्कुल इसको लगाकर छोड़ सकते हो, ये आपने अपने आप ही चलता रहेगा आपके गार्डन में। और ये टर्टल वाइन भी आप इसको भी लगाकर अपने गार्डन में बस एक बार छोड़ सकते हो। मैंने ये सभी कटिंग से ग्रो किया हुआ है, तो आप इसको एक बार अपने गार्डन में ला कर लगा दें, छोड़ दें, तो ये खुद ही चलता रहेगा और आपके पॉट को पूरे को कवर कर लेगा। और इसको छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हो। देखिए मैंने छोटे ही पॉट में लगाए हुए हैं सभी, तो आप इन पौधों को भी ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में छोटे से छोटे पॉट में। तो फ्रेंड्स, ये है क्लैंचो, क्लैंचो का पौधा। तो देखिए ये क्लैंचो कितना हरा भरा हो रहा है मेरे यहाँ पर। तो देखिए मैंने भी ये यहाँ पर पॉट में लगाया हुआ है, बोतल कट करके मैंने उसमें लगाया हुआ है, तो आप इसको भी छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से चलेगा। और ये सर्दियों में जो है फ्लावर देता है बहुत ही अच्छे, पूरे जैसे कि इसमें पत्तियाँ आई हुई हैं ऐसे ही ये फ्लावर भी देता है इतने घने। तो आप इसको भी अपने गार्डन में छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो और लगाकर छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता पौधा। तो क्लैंचो के पौधे की देखिए मैंने जो है कई सारी कटिंग लगाई हुई है और बहुत ही अच्छे से चली हुई है। ये मैंने सभी छोटी से कटिंग से तैयार किए हैं ये। मैं इनको इसको एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी और मैंने सभी की इनकी कटिंग लगाई हुई है। तो देखिए मैंने वेस्ट मेटल में ही लगाई हुई है, यहाँ पर बोतल में लगाया हुआ है, ये
पॉट में है और ये भी यहाँ पर बोतल है बड़ी, तो मैंने ये सब भी कटिंग से लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहा है कलंचो का पौधा, तो आप इसको भी लगा सकते हो अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स एक ये है जेड प्लांट, आप जेड प्लांट को भी जो है बहुत ही छोटे से छोटे पॉट में इसको ग्रो कर सकते हो, छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाएगी आपके गार्डन में और बहुत ही अच्छे से चलता है ये पौधा। आप इसको किसी भी आकार का सेप दे सकते हो, ये लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप इसको धूप में रखें और छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगा सकते हो। इसकी भी कोई इतनी केयर टिप्स नहीं है, आप इसको सिर्फ जो है एक्स्ट्रा वाटरिंग से बचाएं, ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग इसमें ना करें और लगाकर आप अपने गार्डन में छोड़ सकते हो और ये खुद ही इतने अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हो अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हो, तो ये भी आप लगा सकते हो अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी वीडियो कुछ पौधों को लेकर जिनको आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हो, जिनके पास जगह की कमी होती है वो अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं फ्लावर तो पौधे तो आप कर सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ओके गाइज बाय।